बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और आज काफ़ी बिजी डे गुजरा है स्कूल में, और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बारिश सुबह से हो रही है और अभी थोड़ी रुक गई है, और बच्चे अकेडमी आज पढ़ रहे हैं। बस बारिश में बच्चे आज आ गए हैं अकेडमी पढ़ने, तो बस अकेडमी बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चे जाएंगे फिर खाना वगैरह हम रात तक बनाएंगे। और अभी मैं जाती हूँ ऊपर और देखती हूँ कि अम्मी जी क्या कर रही हैं, और आपको मौसम की सूरत हाल दिखाती हूँ कि इस वक्त मौसम कैसा है। इसके अलावा आज मैं अपने इस व्लॉग में आपसे शाम की रूटीन शेयर करूँगी। चले स्टार्ट करती हूँ अपना आज का व्लॉग। ऊपर मैं आ चुकी हूँ छत पे और देखिए कितना अच्छा मौसम है, और अभी अभी बारिश हो गई हटी है। ये देखिए कितना फर्श गीला है हमारा, अभी भी पानी यहाँ है, और बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है, काफ़ी सर्दी लग रही है। और बस सुबह से बारिश ही हो रही है, अभी थोड़ी देर रुकी है, शाम का टाइम है अभी, और बच्चे जो हैं एकेडमी अभी पढ़ रहे हैं नीचे। और ये देखिए कितने गहरे बादल आए हुए हैं, और ऐसा लगता है जैसे फिर दोबारा बारिश शुरू होने वाली है। और यहाँ देखें अम्मी जी बना रही हैं सब्ज़ी, पूछते हैं कि अम्मी जी कौन सी सब्ज़ी बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। अम्मी जी आप क्या बना रही हैं, कौन सी सब्ज़ी बना रही हैं? आज मैं अरबी और बैंगन। अच्छा, अरबी और बैंगन। अच्छा, अब रात के खाने में भी ये बनेगा हमारे घर? अच्छा, अरबी और बैंगन बनेगा। 6 बजे आता है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी सही कहा आपने। हाँ जी बिल्कुल, गैस जो है ना बहुत लेट आती है, 6 बजे तकरीबन आती है, तो जिसकी वजह से अम्मी जी अभी तकरीबन 4:30 का टाइम है और अम्मी जी सब्ज़ी बना के रख देंगी। और देखिए ये देखिए अरबी कितनी फ्रेश है, और साथ में बैंगन है। हम ये दो सब्ज़ियाँ ना मिक्स बनाते हैं, काफ़ी मज़ेदार बनती है ना अम्मी जी? हाँ जी, ये काफ़ी मज़ेदार बनती हैं अगर इनको मिक्स करके बनाएं तो हमें तो बड़ी पसंद है। और वैसे भी अरबी है ना काफ़ी मज़ेदार लगती है, तो बस अम्मी जी बनाएंगे अब रात के खाने में, ये हम खाएंगे सब्ज़ी। और वैसे भी सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, काफ़ी मज़ेदार लगती हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ पौधों की सूरत हाल। यहाँ देखें ये बूटी को कितने प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं, ये देखें वाइट कलर के हैं, और ये एक पिंक है, बाकी सारे वो वाइट हैं, और बाकी देखिए ये पूरा हरा भरा गमला है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और देखिए कितनी एलोवेरा फ्रेश है लगी हुई, और ये देखिए हरी भरी है, और काफ़ी मतलब प्यारे ये लग रहे हैं पौधे। और यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ व्यू, कितना प्यारा व्यू है बादलों का। यहाँ देखिए अम्मी जी ने खाना बनाना शुरू कर दिया है, और ये हमने इस साइज़ में अरबी को काटा है, ये देखिए गोल शेप में, और ये बैंगन है, और बाकी ये टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है। यहाँ अम्मी जी प्याज ग्राइंड कर रही हैं, और बच्चे जो हैं वो अकेडमी पढ़ के अभी गए ही हैं, तो 6 बज गए हैं और गैस हाई अभी आया ही है, तो अम्मी जी ने फ़ौरन हंडिया रख ली है खाने के लिए। और अभी सबसे पहले तो अम्मी जी प्याज वगैरह ब्राउन करेंगे, फिर इसमें टमाटर वगैरह शामिल करेंगे, और बाकी मसाले वगैरह डालेंगे, मसाला अच्छे से भुनेंगे, फिर बाद में अरबी वगैरह डालेंगे। वैसे तो इसमें ना मतलब दही भी डाल सकते हैं, लेकिन ना हम यूज़ नहीं आज कर रहे हैं, वरना हम हमेशा दही डालते हैं। शाम का टाइम है इस वजह से दही घर पे मौजूद नहीं है, इसलिए हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो दही के साथ थोड़ी खट्टी खट्टी हो जाती है, मज़ेदार लगती है वो। फिर ज़रूरत नहीं है कि? अच्छा, मतलब अकेली अगर अरबी बनाए फिर दही की ज़रूरत है? अच्छा, अगर दोनों सब्ज़ियाँ मिक्स बनाए फिर दही डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक, यहाँ देखें प्याज हमारा हो गया ब्राउन, और सब्ज मिर्च भी मिर्च डाल दी थी, और ये टमाटर भी, टमाटर को भी पका लिया अम्मी जी ने, और अब इसमें अम्मी जी मसाले वगैरह डालेंगी। सबसे पहले सूख मिर्च डालेंगी,
अब हल्दी डालने लगी हैं मुझे। नमक अम्मी जी ने डाल दिया है और अब देखें ये मसाले को अम्मी जी तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगी, फिर इसमें हम शामिल करेंगे अरबी। डाल दें। हाँ जी, मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर ली है अम्मी जी ने और अब इसमें अरबी जो है वो डाली जा रही है। अच्छा अम्मी जी, ये अरबी को कितनी देर हम पकाएंगे? जाती। अच्छा, कोई 15-20 मिनट लेगी है ना? हाँ। 15-20 मिनट में अच्छी तरह पक जाएगी और अभी 10 मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद फिर इसमें बैंगन वगैरह शामिल कर देंगे जो हमने बैंगन काटे हुए हैं। 10 मिनट इसको। हाँ जी, हाँ। 10 मिनट बढ़ाई करके बैंगन शामिल कर देंगे अच्छी तरह इसको। हाँ जी, यहाँ देखिए 10 मिनट तक हमने भूना है अरबी को और बैंगन अभी डाले जा रहे हैं। ये देखिए बैंगनों की ये शेप है, छिलका वगैरह हमने उतार दिया था बैंगन का और अभी सिर्फ 10 मिनट लगेंगे फिर हमारी हंडिया जो है वो रेडी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी ये बनती है, दोनों मिक्स वेजिटेबल्स। यहाँ देखिए सेहन में हमने चारपाई वगैरह रख ली है, पंखा निकाल लिया है और यहाँ देखिए जुहान कैसे खेल रहे हैं और आयत भी है। अब बच्चे जो है फूड खाने लगे हैं। माशाल्लाह जुहान जो है वो टंटन से बड़ा अच्छे से खेलता है। क्या कहते हैं इसको? अच्छा, पता नहीं क्या कहते हैं, टका टक। अच्छा, हाँ। रात का टाइम है, खाना हमने खा लिया है, बहुत ही मज़ेदार अम्मी जी ने सब्ज़ी बनाई थी, अरबी और बैंगन काफ़ी मज़ेदार बने और अब जो है हम सब नीचे आ चुके हैं और अब देखते हैं हम सब मिलके टीवी वगैरह और कोई ड्रामा वगैरह देखेंगे। वैसे जियो पे काफ़ी अच्छे ड्रामे लगते हैं और हम टीवी पे, और इसके अलावा मेरी सिस्टर बच्चों को सुला रही हैं क्योंकि बच्चों को जल्दी नींद आ जाती है, वो दूसरे रूम में है। तो अब मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आए। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।